हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ और इसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल लाने का क्वेश्चन में यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे। तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो आप देखो, 9/4 दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो 9/4 को निकाला कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। प्रॉपर्टी ऊपर देखो, की कंसेप्ट में जो प्रॉपर्टी लिखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्या है, 1/3। नाउ कॉस इनवर्स 1/3, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा। तो लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा 1/3। अच्छा, इफ आई ड्रॉ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और लेट से ये मेरा एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या कहते हैं, एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस इस साइड, अपोजिट साइड का भी मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अपोजिट साइड का मेजरमेंट क्या होगा, 3² माइनस 1² का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 3² मीन्स 9, 9 - 1 = 8, तो ये हो जाएगा 2√2। तो इस अपोजिट साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2। नाउ अगर सेम बात को मुझे साइन के टर्म में लिखना हो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी अपोजिट, तो अपोजिट की वैल्यू आ रही है 2√2 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ रही है 3। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। देखो, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में क्या आती है, ये आती है, और सेम थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में क्या आती है, ये आती है। तो लास्ट स्टेप में हमने कहाँ तक पहुँचे थे, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 को हमने माना थीटा। ये थीटा की सेम वैल्यू हम साइन इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, माय लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की जगह हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, विच इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो हैंड प्रूव, I hope you understood it well. Best of luck.